नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। देवेंद्र फडणवीस के आक्रामक तेवर और उद्धव ठाकरे की संयमित भाषा बहुत कुछ कहती है। इसलिए तो कयास लगने लगे हैं कि फडणवीस को केंद्र की राजनीति में स्थान दिया जा सकता है। इस बीच थाने में टीकाकरण के श्रेय को लेकर शिवसेना और एनसीपी के नेता आपस में भिड़ गए हैं। बात पोस्टर फाड़ने से लेकर तू-तू मैं-मैं तक पहुंच गई है। उधर मुंबई क्रूज रेव पार्टी मामले में केपी गोसावी की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। पुलिस की टीम उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। तो टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए अनोखी तरकीब सरकार ने निकाली है। बच्चों को आगे कर बड़ों को इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है। नशे के खेल को देखे तो लगता है कि शाहरुख खान के साहबजादे को अब आटे दाल के भाव मालूम होते नजर आ रहे हैं। जेल से रिहा हुए एक कैदी ने बताया कि आर्यन खान हमेशा गुमसुम रहता है, न तो वह जेल का खाना खाता है और न ही जेल में खाने की किसी चीज को हाथ लगाता है, बस खोया खोया सा रहता है। प्रदेश के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। दशहरा सम्मेलन में उद्धव ठाकरे ने कुछ संकेत दिए तो कुछ सलाह और कुछ नसीहत, मगर इसके बीच ये तो साफ कर दिया कि जब तक महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का चेहरा है, तब तक शिवसेना बीजेपी के बीच समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए चर्चा होने लगी है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व शिवसेना को अपने साथ लाने के लिए फडणवीस को महाराष्ट्र से दिल्ली शिफ्ट कर सकता है। इसके 2 कारण है। एक तो बिहार में प्रभारी के रूप में फडणवीस ने अच्छा काम किया है, जमीनी जानकारी करीब से रखते हैं, विषयों पर ज्ञान भी अधिक रखते हैं, इसीलिए केंद्र में फिट बैठ सकते हैं। फडणवीस विरोधी बीजेपी नेताओं का इससे ही जुड़ा तर्क है कि तब मोदी के लिए एक फडणवीस से ज्यादा महत्वपूर्ण महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें होगी, इसलिए ऐसा संभव भी हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मत है कि ठाकरे सरकार को अस्थिर करने के लिए फडणवीस की सलाह पर केंद्रीय एजेंसियों का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उससे महाविकास आघाड़ी गठबंधन की गांठ और मजबूत हो रही है। ताजा तस्वीर देखें तो फडणवीस के लिए अपनी राजनीतिक सफलता को टिकाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। थाने में टीकाकरण के श्रेय को लेकर शिवसेना और एनसीपी के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार सुबह कलवा में पोस्टर फाड़े गए तो सोमवार को महापौर नरेश महस्के और एनसीपी अध्यक्ष आनंद परांजपे के बीच कहासुनी हुई। बाद में लड़ाई डिजिटल मीडिया पर छा गई। परांजपे ने एक वीडियो जारी कर कलवा में बैनर फाड़ने का आरोप शिवसेना नगर सेवक गणेश कामले पर लगाया। परांजपे ने विरोधी पक्ष नेता शानू पठान, वरिष्ठ नगर सेवक नजीब मुल्ला व अन्य कुछ पदाधिकारियों के साथ सोमवार को महापौर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण प्रक्रिया में गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए महापौर महस्के से सवाल किया और बैनर फाड़े जाने की घटना को लेकर शिवसेना की खिंचाई करते हुए कहा कि ये संस्कार शिवसेना प्रमुख का नहीं है। महापौर के कैबिन में कई शिवसेना नगर सेवक मौजूद थे। भारी रोष बना रहा। शिवसेना ने कड़ा जवाब देते हुए एनसीपी पर सिर्फ श्रेय की राजनीति करने का आरोप लगाया। महस्के का कहना था कि शिवसेना ने टीकाकरण को लेकर किए जा रहे प्रयास से एनसीपी के पेट में दर्द होने लगा है। इस दौरान दोनों ही पक्षों के नेताओं में जोरदार तूतू मैं-मैं हुई। मुंबई क्रूज रेव पार्टी मामले में केपी गोसावी की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। उधर केपी गोसावी की तलाश में पुणे पुलिस की टीम उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। महाराष्ट्र के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस को उसकी आखिरी लोकेशन अगरतला की मिली थी। पुलिस को यह भी अंदेशा है कि वो देश छोड़कर भाग सकता है, लिहाजा उसके खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। इस नोटिस के बाद देश के सभी हवाई अड्डे पर मौजूद सुरक्षाकर्मी अलर्ट हो गए हैं। बता दें कि गोसावी के खिलाफ महाराष्ट्र के पालघर जिले के केलवे पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक केपी गोसावी के खिलाफ 2 युवाओं के साथ विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। इसके पहले साल 2018 में भी महाराष्ट्र के पुणे शहर में भी गोसावी के खिलाफ 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने गोसावी की 27 वर्षीय महिला सहायक को पुणे में 2018 में दर्ज ठगी के एक मामले में गिरफ्तार किया है। क्रूज पर मादक पदार्थों का भंडाफोड़ करने के मामले में गोसावी को नारकोटिक्स ब्यूरो ने स्वतंत्र गवाह बनाया है। कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए BMC के साथ बड़ी कंपनियां और स्वयंसेवी संस्थाएं अपने स्तर पर स्लम में मुफ्त टीकाकरण कर रही है। रिलायंस, गोदरेज, सिटी बैंक के अलावा गौतम भंसाली गोल्डन आवर फाउंडेशन ने बॉम्बे अस्पताल के साथ मिलकर अभियान शुरू किया है। वर्ली, कोलीवाड़ा, बांद्रा और गोरेगांव के बाद खारडंडा के स्लम इलाकों में टीकाकरण किया गया है। अभियान के लिए संस्था ने स्कूली बच्चों की भी मदद ली है। इसकी शुरुआत पश्चिम उपनगर के खारडंडा स्लम इलाके से की गई है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए बच्चों ने बड़ों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है। इन स्कूली बच्चों की मदद से टीकाकरण के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों ने बताया कि तमाम भ्रांतियों के कारण आज भी कई ऐसे लोग हैं जो टीका लगवाने में कतरा रहे हैं, इसलिए इन बच्चों की मदद ली जा रही है। मानवीय गुहार और संवेदनाओं के चलते अभियान के सफलता की उम्मीद की जा रही है। अभियान सफल रहा तो इसे प्रदेश के अन्य भागों में भी अपनाया जाएगा, जहां बच्चे बड़ों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करते नजर आएंगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल का खाना नहीं खा रहे हैं। सिर्फ पहले दिन उन्होंने जेल की चाय पी थी, उस दिन से उन्होंने जेल में खाने की किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। आर्यन जेल से मिलने वाला खाना दूसरे कैदी को दे देते हैं और गुमसुम अपने में ही खोए रहते हैं। जेल से रिहा हुए कैदी ने बताया कि वह कैंटीन से बिस्किट चिप्स मंगाता है, बिस्किट को पानी में डुबो कर खाता है। मैंने कई बार देखा है, बोतल बंद पानी पीता है। कई बार मैंने और जेल के अधिकारियों ने उससे पूछा, लेकिन वह सिर्फ इतना कहता है कि मन नहीं है, भूख नहीं है। वह अकेला गुमसुम बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता, उसे कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। जेल में आने के बाद आर्यन काफी घबराया हुआ था, टेंशन में था। उसके बाल काटे गए, फिर शेविंग बनाई गई। वह जेल में न टीवी देखता है, न किसी से बात करता है। सुबह 6 बजे सीटी बजती है, कैदियों की गिनती होती है। आर्यन भी गिनती के बाद हाथ मुंह धोकर नाश्ता लेने आता है। नाश्ते में शीरा, पोहा और चाय होती है। आर्यन इसे दूसरे कैदी को दे देता है, इसी तरह खाना भी दूसरों को दे देता है। इसके बाद वो आराम करने चला जाता है। 6 बजे फिर सभी कैदियों की काउंटिंग होती है, फिर सब अपने बैरक में लौट जाते हैं। आर्यन शांत बैठा रहता है या फिर लेट जाता है। मरीजों के साथ चिकित्सकों की एक और बड़ी लापरवाही जुड़ गई है। स्टोन निकालने गए मरीज की चिकित्सकों ने किडनी निकाल दी है। मामला गुजरात के एक अस्पताल का है। कहते हैं जंग में सब जायज है, लेकिन राजनीतिक जंग में भी इसे अपनाया जाने लगा है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की ओर से किए गए एक ट्वीट में पीएम मोदी को अंगूठा छाप बताया गया है। इसे लेकर भाजपा ने हंगामा मचाया तो कांग्रेस की ओर से माफी मांगी गई। इस बीच उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में अगले साल यानी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी गंभीर है। उसने एक अहम मीटिंग बुलाई है जो 2 दिन चलेगी। उधर उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामगढ़ के एक गांव में बादल फटने से फिर तबाही का आलम है। घटनास्थल पर उपस्थित लोगों की कुल संख्या का अभी पता नहीं चल पाया है, बचाव कार्य जारी है। खुशी की बात यह है कि दुबई कश्मीर में निवेश के लिए तैयार है। भारत के साथ उसका एक और समझौता हुआ है, जिसके तहत कश्मीर में इंडस्ट्रियल पार्क, इमारतें, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आदि बनाए जाएंगे। देश के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। गुजरात में बालासिनोर के KMG जनरल अस्पताल का बड़ा मामला सामने आया है। ये जितना हैरत अंगेज है उतना ही लापरवाही भरा भी है। सर्जरी के दौरान एक मरीज का स्टोन निकालने की जगह यहाँ के चिकित्सकों ने किडनी निकाल दी थी। इस घटना के 4 महीने बाद मरीज की मौत हो गई थी। मामला गुजरात राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास पहुंचा तो उसने माना कि अस्पताल प्रबंधन न केवल अपने स्वयं के कार्यों का कमीशन और चूक के लिए जिम्मेदार है, बल्कि अपने कर्मचारियों की लापरवाही के लिए भी जिम्मेदार है। दरअसल खेड़ा जिले के वंगरोली गांव में रहने वाले देवेंद्र भाई रावल की पीठ में तेज दर्द था और यूरिन पास करने में दिक्कत थी। उन्होंने बालासिनोर कस्बे के KMG जनरल अस्पताल के डॉक्टर शिवू भाई पटेल को दिखाया। मई 2011 में उनके बाएं गुर्दे में 14 mm का स्टोन पता चला। उसी अस्पताल में उनकी सर्जरी 3 सितंबर 2011 को की गई। सर्जरी के बाद परिवार को आश्चर्य हुआ। डॉक्टर ने परिवार को ये भी कहा कि मरीज की जान बचाने के लिए किडनी निकालनी जरूरी है। रावल की हालत और बिगड़ती गई और उन्होंने 8 जनवरी 2012 को दम तोड़ दिया। रावल की पत्नी मीनाबेन ने नडियाद में उपभोक्ता फोरम में इस मामले को दायर किया था। इसी महीने के आखिर में यानी 30 अक्टूबर को कर्नाटक में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चुनाव प्रचार तेज है, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया है जिस पर विवाद पैदा हो गया है। कर्नाटक कांग्रेस की ओर से किए गए एक ट्वीट में पीएम मोदी को अंगूठा छाप बताया गया है। कन्नड़ भाषा में किए गए इस ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा, कांग्रेस ने स्कूल बनवाए, मोदी ने पढ़ाई नहीं की। वयस्कों की शिक्षा के लिए योजना लेकर आए, तब भी उन्होंने पढ़ाई नहीं की। भीख मांगने पर रोक है, लेकिन भीख मांगकर आसान जीवन जीने वाले लोगों को भिखारी बना रहे हैं। देश अंगूठा छाप मोदी की वजह से भुगत रहा है। भाजपा की ओर से आपत्ति जताई गई तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने सोशल मीडिया टीम को इस ट्वीट को हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इस ट्वीट को करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। DK शिवकुमार ने इसके बाद ट्विटर पर माफी भी मांगी और बताया कि ये नौसिखिए की गलती है। उन्होंने लिखा, मेरा हमेशा से ही मानना है कि राजनीति चर्चा में नागरिक और संसदीय भाषा होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में अगले साल यानी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अहम मीटिंग बुलाई है।
मंगलवार को यानी आज से शुरू हो रही ये मीटिंग 2 दिन तक चलने वाली है, जिसमें चुनाव के अलावा कई नीतिगत मुद्दों को लेकर भी बात हो सकती है। भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष के अलावा पार्टी के कई और सीनियर नेता एवं केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। भाजपा के अलावा आरएसएस से जुड़े कई और संगठन भी इसमें हिस्सा लेंगे, जो शिक्षा, संस्कृति और आर्थिक क्षेत्र में सक्रिय है। हालांकि इससे पहले भी अभी पिछले महीने ही आरएसएस ने 4 दिन लंबा एक सेशन आयोजित किया था, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बात हुई थी। उस मीटिंग को आरएसएस के कार्डर को चुनाव के लिहाजे से तैयार रहने और भाजपा के लिए जीत की राह तैयार करने को कहा गया था। मंगलवार को शुरू हो रही मीटिंग का वक्त काफी अहम है। देश के कई हिस्सों में किसान आंदोलन से जुड़ी हिंसक घटनाएं हुई है। इस आंदोलन के 1 साल पूरे होने को है। माना जा रहा है कि किसान आंदोलन से निपटने को लेकर भी आरएसएस की ओर से फीडबैक दिया जा सकता है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामगढ़ के एक गाँव में बादल फटा है। इसमें कुछ लोग चपेट में आ गए हैं, कुछ घायलों को बचा लिया गया है। नैनीताल एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने कहा है कि घटनास्थल पर उपस्थित लोगों की कुल संख्या का अभी भी पता नहीं चल पाया है। वहीं राज्य में लगातार मौसम का कहर बरप रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के पास उफनते लामबगड़ नाले में एक कार फंस गई। इसमें यात्री भी सवार थे। इसे सीमा सड़क संगठन द्वारा जेसीबी की मदद से बचाया गया। खराब मौसम से जूझ रहे उत्तराखंड में हालात ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। भूस्खलन की वजह से 3 बड़े राजमार्ग बंद कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ बद्रीनाथ में भी कुदरती कहर बरप रहा है। यहाँ अभी भी काफी लोग फंसे हुए हैं, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन कर 22 लोगों को बचाया गया है। राज्य आपात अभियान केंद्र ने बताया है कि एक अन्य घटना में चंपावत जिले के सेलखोला में भूस्खलन के बाद 2 लोगों का घर ढह जाने से उनकी मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और राज्य के मंत्री अजय भट्ट से बात कर भारी बारिश से पैदा हुए हालात की समीक्षा की है। भारत ने कहा है कि दुबई के साथ उसका एक समझौता हुआ है, जिसके तहत कश्मीर में इंडस्ट्रियल पार्क, इमारतें, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आदि बनाए जाएंगे। धारा 370 खत्म किए जाने के बाद कश्मीर में ये पहला बड़ा निवेश होगा। भारत सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में ढांचागत निर्माण के लिए दुबई की एक कंपनी के साथ समझौता हुआ है। दुबई की अलग अलग संस्थाओं ने कश्मीर में निवेश में दिलचस्पी दिखाई है। इस समझौते के तहत इंडस्ट्रियल पार्क, आईटी टावर, बहुमंजिला इमारतें, एक मेडिकल कॉलेज और स्पेशलिटी अस्पताल बनाने पर सहमति बनी है। इसे सरकार एक नए अवसर के रूप में देख रही है। उसका मानना है कि कश्मीर पर्यटकों के लिए आज भी खास है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक बयान में कहा, जम्मू कश्मीर विकास की जिस लहर पर सवार है उसे दुनिया ने पहचान लिया है। कश्मीर में मौजूदा हालात श्रीनगर और आसपास के इलाकों में हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसी महीने राज्य में 11 लोगों की हत्याएं हो चुकी है। मरने वालों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग शामिल है। 11 में से 5 लोग प्रवासी कामगार है, जबकि बाकी स्थानीय लोग थे। सैकड़ों लोग रातों रात कश्मीर छोड़कर चले गए। चीन में अब गलती करेंगे बच्चे तो भुगतेंगे बड़े। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कानून वहाँ की सरकार बनाने जा रही है। इससे वहाँ के लोग परेशान हैं। परेशान अफगानिस्तान के लोग भी हैं, क्योंकि खाने के लाले पड़े हैं। भारत भूखे अफगानों का पेट भरने के लिए गेहूं भेजने जा रहा है, और पाकिस्तान है कि मानता नहीं। वह तालिबान की मदद के लिए अपने सैनिक, गोला बारूद और हथियार भेज रहा है। इस बीच भारत चांद के प्यार में फंस गया है। वह समझ नहीं पा रहा है कि नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम से जुड़े चीन के ILRS का हिस्सा बने या अकेले ही एक्सप्लोरेशन के काम को आगे बढ़ाए। मगर दिल है कि मानता नहीं, क्योंकि ये दिल तानाशाह किम जोंग उन का है। उत्तर कोरिया ने अज्ञात रॉकेट लॉन्च किया तो जापान की सेना चौंक गई और दक्षिण कोरिया हैरान। वैसे चीन की बात करें तो हैरानी उधर से भी आ सकती है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी नवंबर 2021 में अपना सबसे प्रमुख सम्मेलन करने जा रही है। इस सम्मेलन से फैसला होगा कि मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार सत्ता में आएंगे या चीन को कोई नया राष्ट्रपति मिलेगा। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। चीन में अब बच्चों के अपराध की सजा माँ बाप को देने की तैयारी हो रही है। चीन की संसद संबंधित विधेयक पर विचार कर रही है। परिवार शिक्षा प्रोत्साहन कानून के मसौदे में कहा गया है कि पेरेंट्स या संरक्षक को प्रताड़ित किया जाएगा यदि अभियोजक पेरेंट्स की देखरेख में पलने वाले बच्चे का बहुत खराब व्यवहार या आपराधिक गतिविधि करते पाते हैं, तो उन्हें फैमिली एजुकेशन गाइडेंस प्रोग्राम में भेजा जा सकता है। मसौदे में पेरेंट्स से अनुरोध किया गया है कि वे अपने बच्चों को आराम करने, खेलने और व्यायाम करने के लिए समय मुहैया कराएंगे। इस मसौदे पर इसी सप्ताह के NPC के स्टैंडिंग कमेटी में समीक्षा की जाएगी। चीन इन दिनों युवाओं के ऑनलाइन गेम खेलने और इंटरनेट के सेलिब्रिटी की आंख मूंद कर पूजा करने के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। यहाँ तक कि ऑनलाइन वीडियो गेम आध्यात्मिक अफीम की संज्ञा दी है।
हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने नाबालिग बच्चों के वीडियो गेम खेलने के घंटों को कम करने का ऐलान किया है। इन बच्चों को कहा गया है कि वे शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ही केवल एक घंटे तक ऑनलाइन गेम खेलने की अनुमति देते हैं। चीन ने होमवर्क भी कम करने का ऐलान किया है और बड़े विषयों में स्कूल के बाद सप्ताहांत या छुट्टी के दिन ट्यूशन पढ़ाने पर बैन लगा दिया है। पाकिस्तान ने तालिबान की मदद के लिए अपने सैनिक, गोला बारूद और हथियार भेजे। वहीं भारत भूखे अफगानों का पेट भरने के लिए गेहूं भेजने जा रहा है। आज वहां खाद्य संकट उत्पन्न हो गया है, जिसकी वजह से करोड़ों लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। ऐसे में भारत सरकार अफगानिस्तान में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं और दवाइयों की खेप पहुंचाने के विकल्पों पर विचार कर रही है। भारत चाहता है कि उसकी मदद सीधे उन हाथों तक पहुंचे जो अफगानिस्तान में मानवीय मदद के कार्यों की देखरेख कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले महीने अपने संयुक्त राष्ट्र संबोधन में इस बात पर जोर दिया था कि अफगानिस्तान में समाज के हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के समान सहायता पहुंचे। भारत अपनी मदद पहुंचाने से पहले यही सुनिश्चित करना चाहता है। भारत ने पिछले वर्ष अफगानिस्तान को 75,000 मीट्रिक टन गेहूं दिया था। तब चाबहार बंदरगाह का लंबा रास्ता लेना पड़ा था। इस बार अटारी बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान तक गेहूं पहुंचाने के विकल्प पर विचार हो रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि भारत और अफगानिस्तान के लिए इस बॉर्डर से दो तरफा व्यापार को पाकिस्तान मंजूरी नहीं देता है। हालांकि भारत फिर भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है। भारत इस सम्मेलन में अन्य देशों के साथ साथ रूस, चीन और पाकिस्तान को भी आमंत्रित करेगा। भारत पिछले 10 वर्षों में 10 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा गेहूं अफगानिस्तान को दे चुका है। भारत का चंद्रयान 2 मून लैंडर करीब 2 साल पहले 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा पर धूल के बादलों में जा गिरा और किसी इंसान की नजरें इसकी गवाह न बन सकी। नासा भी चांद पर एक्सप्लोरेशन में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है। अपोलो मिशन के बाद आर्टेमिस इस सिलसिले में उसका सबसे महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। अगर भारत आर्टेमिस प्रोग्राम में साझेदार बनता है तो उसके चंद्रयान अभियान में तेजी आ सकती है, लेकिन इसके लिए उसे नासा की कुछ शर्तें माननी होगी। ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्राजील, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन सहित 11 देश पहले ही इससे जुड़ चुके हैं। इसके लिए नासा की जो पूर्व शर्तें हैं, उसमें से ज्यादातर 1967 के अंतरिक्ष समझौते का हिस्सा थी। इस अंतरिक्ष समझौते में भारत शामिल था, लिहाजा भारत के लिए उलझन की स्थिति बन गई है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के मुकाबले रशिया चाइना इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन प्रोजेक्ट भी वजूद में है। रूस और चीन इस साल के अंत तक आर्टेमिस जैसा अपना प्रोग्राम ला सकते हैं। ऐसे में भारत के पास 3 रास्ते रह जाएंगे। वह नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम से जुड़े ILRS का हिस्सा बने या अकेले ही एक्सप्लोरेशन के काम को आगे बढ़ाए। भारत अगर अकेले बढ़ने का फैसला करता है तो बड़े मौके हाथ से निकलने का डर है। ILRS से चीन जुड़ा है, इसलिए भारत के लिए इसका हिस्सा बनना मुश्किल हो सकता है। उत्तर कोरिया ने अज्ञात रॉकेट लॉन्च किया है, जिसे जापान की सेना संभावित मिसाइल बता रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मिसाइल दागने के पीछे तानाशाह किम जोंग उन का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी दक्षिण कोरिया पर परमाणु कूटनीति पर रुकी हुई बातचीत के बीच दबाव बनाना है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में ये भी कहा गया है कि तानाशाह ने ये कदम पड़ोसी देशों में दहशत फैलाने के लिए उठाया है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले भी किम जोंग उन ने अमेरिका तक तबाही मचाने में सक्षम अंतर महाद्वीपीय मिसाइल और कई अन्य महाविनाशक हथियारों का प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान किम जोंग उन ने कहा कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया की शत्रुतापूर्ण नीतियों को देखते हुए उत्तर कोरियाई हथियारों का विकास जरूरी है। दक्षिण कोरियाई ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के हवाले से बताया कि उत्तर कोरियाई प्रोजेक्टाइल को कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व स्थित समुद्र में दागा गया था। बता दें कि उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच परमाणु प्रतिबंधों पर बातचीत लगभग 2 सालों से अधिक से रुकी हुई है। उत्तर कोरिया अमेरिका से परमाणु प्रतिबंधों में और ढील देने के लिए कह रहा है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी नवंबर 2021 में अपना सबसे प्रमुख सम्मेलन करने जा रही है। इस सम्मेलन से फैसला होगा कि मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार सत्ता में आएंगे या चीन को कोई नया राष्ट्रपति मिलेगा। इसलिए इस सम्मेलन को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह नेतृत्व परिवर्तन से पहले का आखिरी सबसे बड़ा सम्मेलन है। 68 साल के शी जिनपिंग के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि वह पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग के बाद से सबसे शक्तिशाली चीनी नेता बनकर उभरे हैं। ऐसे में यह संभव है कि वह तीसरा कार्यकाल भी संभाले। माना जाता है कि जिनपिंग ने 2018 में एक संवैधानिक संशोधन करके चीन में राष्ट्रपति के लिए 2 कार्यकाल की सीमा को हटा दिया था। 2016 में जिनपिंग को पार्टी द्वारा कोर लीडर बनाया गया था। इससे पहले ये दर्जा सिर्फ माओ को मिला है। चीन की राजनीतिक पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये देखना मजेदार होगा कि माओ के उत्तराधिकारी देंग शियाओपिंग द्वारा अनौपचारिक नियम बने रहेंगे या नहीं, जैसे कि 68 साल की उम्र होने पर रिटायर होने वाली बात। बता दें कि पार्टी के पोलित ब्यूरो के 25 सदस्यों में भी करीब आधे अक्टूबर 2020 तक 68 साल के हो जाएंगे।
तो आज की इस खास पेशकश पे बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेवी न्यूज़। नमस्कार।